सारिका ब्लॉग्स में आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की अदौरी की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक रेसिपी लेके आ रही हूँ। कभी कभी ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स कि घर में कोई सब्जी नहीं होता है तो लगता है क्या बनाए क्या बनाए, तो हम बनाने जा रहे हैं ये चने दाल का अदौरी। आप लोग भी जानते होंगे फ्रेंड्स, जो भी लोग हमको लगता है बिहार के जो भी होंगे उनको पता होगा कि चने दाल का अदौरी आजकल के सीजन में हम लोग बना के रखते हैं। जो भी गृहिणियाँ हैं सब लोग बना के रखती हैं, अभी क्योंकि धूप अच्छा रहता है तो उसमें अच्छे से सूख जाता है और इसको स्टोर करके एक साल तक अच्छे से रह जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि सब्जी नहीं रहा तो चलो यही बना दिए, तो आज मेरा मन कर रहा है कि यही बना दूँ चने दाल का अदौरी। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस जला दिया है, तो तब दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या डालूंगी। ये दो प्याज है, इसमें प्याज अच्छे से दीजिएगा, और ये एक आलू दे रही हूँ मैं। वैसे विदाउट आलू आलू का भी बना सकते हैं लेकिन एक आलू मैं डाल रही हूँ। दो टमाटर है और ये लहसुन और अदरक है। इसको हम इस खल में जो है ना थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इस तरह से, ऐसे करके। तो तब तक मैं इधर कढ़ाई चढ़ाई हूँ, तब तक प्याज वगैरह काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैंने तेल डाल दिया, बहुत थोड़ा सा तेल डालना है। और ये जो अदौरी रखा था इसको बहुत स्लो फ्लेम पे इसको भून लेना है। इस तरह से स्लो फ्लेम पे इसको हल्का सा रेड हो जाए तब भूज के इसको निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए अब ये भुजा गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कढ़ाई गर्म था, हमने ये निकाल लिया, बड़ी निकाल लिया है। अब ये जो चने दाल का अदौरी है उसको निकाल लिया है। अब मैंने कढ़ाई में फिर से सरसों तेल डाला है। ये सब्जी आप सरसों तेल में बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे आपको जिस कुकिंग ऑयल में इच्छा है उसमें बना सकते हैं। अब मैं इसमें फ़ोरन डालने वाली हूँ। ये देखिए जीरा, थोड़ी सी हींग, और एक से दो तेज पत्ता बे लीव्स, इसको इस तरह से कर लीजिए। अब जो ये प्याज कटिंग करके रखे थे इसको हम इसमें डाल देंगे तेल में, ऐसे इस तरह से। और इसको थोड़ी देर हल्का सा कलर चेंज होने तक प्याज को भूजेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो आलू कट करके रखे हैं इस आलू को भी, ये देखिए जो हमने एक आलू दिखाया था इसको कट करके रखे हैं, इस आलू को भी हम डालेंगे। हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। ये देखिए मेरा प्याज का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये देखिए अब इसमें इसी समय मैं आलू डाल दे रही हूँ, ठीक है। ये आलू डाल दिया मैंने। आप लोग कौन कौन हैं जो इस चने दाल का अदौरी का सब्जी बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसी समय मैं नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए अब थोड़ा सा इसको ना ढक दे रहे हैं ताकि प्याज जो है हल्का सा मतलब ये गला जैसा हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरा ये सब्जी भुजा रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि मसाला को थोड़ा सा पानी में डालकर फुला लेते हैं। देखिए क्या क्या मसाला डाल रहे हैं। नॉर्मल है एकदम, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, थोड़ा से गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको अगर तीखा वाला मिर्च का पाउडर देने का मन है तो वो दे सकते हैं, मेरे यहाँ तीखा नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने डाल देना है।
इस तरह से इसको मिला के रखिए। इस तरह से मसाले को पानी में फुला देने से सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। इस तरह से अब इसको फूलने डाल रहे हैं और इधर जो हमने ये दो टमाटर रखा था इसको भी कट कर ले रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे ये देखिए टमाटर काट लिए हैं। अब इधर हम सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी का भी कलर चेंज हो रहा है। इसी समय क्या करेंगे, ये जो टमाटर हमने काटा है उसको डाल दे रहे हैं। ये जो भी टमाटर मैंने काटा उसको डाल दे रहे हैं और थोड़ी देर के लिए इसको फिर से ढक दे रही हूँ ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और फ्रेंड्स इधर मेरा दाल चढ़ा हुआ है तो क्योंकि लंच आवर हो रहा है इसलिए उसको दाल चढ़ाई हूँ तो उसका थोड़ा सा आवाज़ जा सकता है। एक और सब्जी चला लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए टमाटर डाले हैं इसके बाद और ये जो इस खल में जो लहसुन और अदरक को जो हमने कस किया था इस तरह से इसको भी अभी ही इसी समय डाल दे रही हूँ। अब थोड़ा सा सब्जी को भूज लेते हैं ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। उसके बाद फिर मसाला डालेंगे। ये देखिए मेरा प्याज और टमाटर सब भुजा गया है, रेड हो गया है। अब इसी समय हम इसमें ये जो मसाला रखे थे इसको ये डाल दे रहे हैं। और इस खाल में जो लहसुन अदरक का पानी था इसको इसमें हल्का सा मिक्स करके सब्जी में ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसको अभी हम 2-3 मिनट और भून लेते हैं ताकि मसाला मेरा अच्छे से भुजा जाए। ये देखिए मेरा सब्जी भुजा गया है, रेड हो गया और तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए अब इसी समय क्या करेंगे कि ये जो अदौरी दाल चने दाल वाला अदौरी जो हम भूज के रखे थे इसको इसमें डाल देंगे और 2-3 बार बस इसको इस तरह से चला दे रहे हैं। इस तरह से ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ऑलरेडी भुजा हुआ है और अब इसमें पानी डाल दे रहे हैं। पानी अच्छे से डालना है फ्रेंड्स क्योंकि चने दाल का अदौरी जो होता है पानी बहुत सोखता है। ये देखिए और फ्रेंड्स कौन कौन जानते हैं इस चने दाल का अदौरी का सब्जी और किसने खाया है बताइएगा मुझे। और आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बिहार में तो अदौरी बोलते हैं। इसका भी रेसिपी मैं दूँगी कि कैसे बनता है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। सब्जी को ढक दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सब्जी बनकर तैयार है, रेडी हो गया। ये देखिए ये जो हमने डाला था बरी वो भी देखिए पूरी तरह से सिझ गया है और आलू भी। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए अदौरी का चने दाल का अदौरी का सब्जी और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।